ग्राम धमांतरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब डिपो में मौजूद एक दुकान में भीषण आग लग गई। बता दें घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। डेढ़ बजे डिपो बंद किया जी। सवेरे मैंने किसी पिंड वाले बंदे ने मैसेज किया कि थोड़े डिपो दे विच आग लगी है जी। मैं आ गया जी, शटर खोलिया जी, उसके बाद आग लगी थी जी। फिर आग बुझाई जी, उसके बाद डिपार्टमेंट आया, पुलिस रिपोर्ट कराई, उसके लाखों डेढ़ लख रुपये आकलन किया जी नुकसान का। ठीक है जी, अग तुसी बुझाई? हाँ जी, असी गए नाल होर पिंड वाले आ गए जी। ठीक है जी। वहीं जब इस पर संचालक सुरेश कुमार से बात की गई तो उनका कहना था कि दुकान में आग लगने से करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल आगे की जांच पड़ताल में टीम जुटी हुई है।